गुड मॉर्निंग गाइज एंड हैप्पी न्यू ईयर 2023 आपके लिए बहुत खुशियां भरा हो ऐसी मंगल कामना हम पहाड़ी परिंदे की पूरी टीम की तरफ से, नीलाक्षी की तरफ से, अरायना की तरफ से आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं बहुत अच्छी गुड वाइब्स के साथ में। और इन्हीं गुड वाइब्स के साथ में हूँ मैं आज अपने फेवरेट पार्क में और मैं कुसुम दीदी के घर जा रही हूँ। देखिए और संडे है आज, आराम से उठे, मम्मी ने बनाए मस्त आलू के पराठे, लड्डू राधा मुरली के दर्शन अभी आप करेंगे, रिकॉर्ड मैंने पहले ही कर लिया था तो उनके दर्शन भी आप कर लीजिएगा। लेकिन उससे पहले क्या था कि न्यू ईयर रिजोल्यूशन क्या लिया मैंने ना कुछ ऐसा पर्टिकुलर रिजोल्यूशन नहीं लिया, लेकिन ना 2022 में मैंने मेडिटेशन बहुत कम की तो अब मेरा जो पूरा रूटीन है तो मैं ये चाहती हूँ दिल से, जिस तरीके से मैंने अपनी हैबिट में आजकल बुक रीडिंग और जो भी चेकलिस्ट में बनाती हूँ उसके अकॉर्डिंग काम करती हूँ, उसी तरीके से पता है मैं ये चाहती हूँ कि मेडिटेशन, चाहे मैं 20 मिनट 25 मिनट का टाइम दूँ उस चीज़ को, मैं रेगुलर करूँ, ध्यान करूँ, क्योंकि मैं बहुत सारी ध्यान पद्धतियों के ऊपर काम कर रही थी और सडनली अब मैं बिल्कुल भी नहीं कर पा रही है। तो ये सारी चीज़ें मैंने सोची हुई हैं। बाकी मैं कुसुम जी के यहाँ जाती हूँ, वहाँ से वापसी में आप लोगों से मिलूंगी या कुछ होगा तो ज़रूर मैं रिकॉर्ड करूँगी। इधर पर मैं इसलिए खड़ी हो गई क्योंकि बहुत अच्छी धूप आई है और बिल्कुल हाथ वगैरह मेरी ना अकड़ गए ठंड की वजह से। बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है पर हवा बहुत है तो चलती भी जाती हूँ, धूप सेकने से भी काम नहीं चलेगा। बच्चे खेल रहे हैं बिल्कुल मस्त और बस यही था। और आप करिए लड्डू राधा मुरली के दर्शन और मैं आपको उसके बाद मिलती हूँ। हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। तो आज पहला दिन है साल का और लड्डू राधा मुरली के दर्शन तो बनते ही हैं। इनसे मेरी प्रार्थना है कि आप सभी लोगों को वो प्रदान करें जिसकी आपको इच्छा है, आकांक्षा है, और इनके दर्शनों के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो पूरा साल अच्छा बीतेगा। सो गाइस, कल हमने ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं करी। अब जो आप क्लिप देख रहे हैं ये है 2 तारीख यानी कि आज की, और यहाँ पे तैयारी चल रही है गोभी के पराठों की। मैंने तो बस कद्दूकस करके रख दी थी गोभी, पराठे बना रही हैं माताश्री हमारी, बिल्कुल गर्मा गर्म गोभी के पराठे। और एक बहुत बड़ी भूल चूक भी आज हो गई, उसके बारे में बताऊँगी मैं आपको, लेकिन फ़िलहाल मम्मी ने बहुत बढ़िया मस्त एकदम पराठे बनाए और हमने खाए। तो ये है उसकी क्लिप, आप भी देखिए और बनाइए। हरे कृष्णा दोस्तों, कल के दर्शन तो आपने कर ही लिए थे, आज 2 तारीख के दर्शन भी आप कर लीजिए लड्डू राधा मुरली के, ताकि हम ब्लॉग को फिर और आगे बढ़ा सकें। इनको भी लगा दिया था यहाँ पे हमने भोग आलू के पराठे का, ताकि बाकी के सारे लोग फिर नाश्ता कर सके। तो बोलिए एक बार फिर से राधे राधे, श्याम मिला लो। देखिए ये गरम टॉप है, फिर इसके बाद इतनी मोटी जैकेट है, फिर भी मैं शॉलों के ओढ़ के बैठी हूँ, तो इसका मतलब यही है बहुत ठंड पड़ रही है दिल्ली के अंदर। दूसरी बात कि मैंने क्या क्या काम किया आज, मैं वो बता देती हूँ आपको। इंस्टाग्राम पे आज मैंने बहुत सारा काम किया है, मेरी फ्रेंड है उनके लिए हमने एक नया बिजनेस प्रोफाइल बनाया है, उस पर पोस्ट वगैरह की है, और भी बहुत सारा काम किया है। आज अध्यात्म ज्ञान में फाइनली बहुत दिनों के बाद मैंने एक वीडियो डाला है, सिर्फ 1.5 मिनट का है, लेकिन उस 1.5 मिनट के वीडियो में मेरे 1.5 घंटे लग गए थे, पर कोई बात नहीं, आज मैंने उस पर भी काम किया। और उसके बाद मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई और उसको इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट किया है अपने पर्सनल अकाउंट में, और उसको मैं अध्यात्म ज्ञान वाले चैनल पे कल मॉर्निंग के लिए शेड्यूल कर चुकी हूँ। ये सारा काम मैंने कर दिया है, तो मतलब आज का जो दिन है उसके लिए मुझे कोई गिला कोई शिकवा नहीं है। अभी 6:40 हो रहे हैं शाम के, और मतलब ठीक है, आज का दिन बहुत अच्छा गया, प्रोडक्टिव गया, मैंने काम किया। और जिस दिन मैं काम करती हूँ उसका रिजल्ट उस दिन आया कि नहीं आया कोई बात नहीं, अगर काम किया मैंने पूरे दिन में, अगर 5-6 घंटे भी बैठ के मैंने काम कर लिया तो मुझे लगता है चलो आज का दिन बढ़िया गया। तो अब है जो समय वो है घर जाने का, अरायना का वेट कर रही हूँ, वो ऑफिस में आएगी तो उसके साथ उसका कुछ सामान लेना है, उसके बाद हम लोग साथ में चले जाएंगे घर। घर जाने के बाद भी मैं 1-2 पोस्ट वगैरह क्रिएट करूंगी। अभी मेरा जो फोकस है 2023 में वो सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा अध्यात्म ज्ञान वाले चैनल पे, इसको मुझे ग्रो करना है। इस पर मैं कोशिश करूंगी हफ्ते में 2 या 3 प्रॉपर वीडियोस आएं, शॉर्ट वीडियो जो आएगी वो तो आएगी ही, लेकिन प्रॉपर वीडियो 2 से 3 हफ्ते में आएगी ही आएगी, ये मेरी कोशिश रहेगी। अब देखती हूँ ये कोशिश कितना फलीभूत होती है, कितना इसके ऊपर मैं प्रॉपर काम कर पाती हूँ,
और अगर करूंगी तो आपको भी जाहिर सी बात है पता लगेगा ही लगेगा। तो दोस्तों मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद में, और जब तक राय ना आती है मैं सोच रही हूँ थोड़ी देर में अपनी किताब पढ़ लेती हूँ। और आज का जो चैप्टर था वो कुछ उदाहरण हैं, मतलब कुछ सक्सेसफुल लोग जो पहले सक्सेसफुल नहीं थे, बहुत फेलियर उन लोगों को मिला, बहुत असफल हुए, फिर ऐसा उन्होंने क्या किया उसके ऊपर है। तो कुछ उदाहरण हैं ऐसे सक्सेसफुल लोगों के जो अपने जो प्रारंभ में, मतलब जो उन्होंने स्टार्ट किया था अपने कैरियर को तब ऐसा नहीं था, फिर कैसे हुआ, कैसे वो सक्सेस हुए, उस चीज़ के ऊपर है। तो वो पढ़ लेती हूँ जितने भी देर रायना आती है, और उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। अगर बाई चांस नहीं मिल पाई तो फिर आपसे हम कल मिलेंगे। इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड कर दूंगी, अगर एंड कर दिया तो अभी से बोल भी देती हूँ, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल विच इज हम पहाड़ी परिंदे। अगर मिले तो बात कर लेंगे दोस्तों।